अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, आज के दिन हमने सीएमई गैप की वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा स्टक देखा, और इस स्टक का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो दोस्त जो मार्केट को इस सीएमई गैप की वजह से समझ नहीं पाते, उन्होंने मार्केट से एग्ज़िट लिया। जब सरमायाकारी की मार्केट में कमी हुई तो आफ्टर दैट हमें अल्टकॉइंस की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा पम्प एंड डम्प देखने को मिला। फर्दर अगर हम यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को देखें तो इथेरियम ने बहुत ही ज़्यादा मजा हुआ बिहेवियर दिया, और बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो 0.40% एक मरतबा फिर से बीटीसी डोमिनेंस में कमी हुई है। बीटीसी अपने प्राइसेस के साथ दोस्तों स्टिल फाइट बैक कर रहा है। हमें सीएमई गैप की वजह से लो पर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मार्केट में किसी तरह के कोई भी बहाने हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो जाता है, ख़ास करके स्पॉट ट्रेडर को, कि वो लो पर बाइंग कर लेता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीटीसी तकरीबन 30 से 35 घंटे पहले, यानी कि 35-38 और पहले कह सकते हैं, बीटीसी 30,550 पे था, और हमने आज इसका लो जो देखा वो 29,240 का था। अब स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पर कभी गलती नहीं करते। एक पंप का सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट है, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लो की बाइंग को मिस कर दें। एनीवे, ये सेंटीमेंट इथेरियम में नहीं देखने को मिले। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि इथेरियम बहुत ज़्यादा फाइट बैक करता रहा मार्केट में, और स्टिल अपने प्राइस पे वो रेजिस्ट कर रहा है। यानी कि सुबह की मार्केट से लेकर अब तक इथेरियम ज़बरदस्त बिहेवियर अपनाए बैठा हुआ है। आगे चल कर के बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर बहुत से व्यूवर्स का एक सवाल था कि उस्मान भाई, बीएनबी का बर्न मुकम्मल हो चुका है, कुछ रिपोर्ट है मार्केट में कि बीएनबी $400 तक जा सकता है। देखें गाइस, सबसे पहले तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, जब भी बीएनबी का पंप बर्न आता है तो ये खबरें आम हो जाती हैं। मुझे एक मुद्दत हो गई है ये बातें सुनते हुए कि जी बीएनबी जो है 400 पे जा रहा है। देखें, बीएनबी जा सकता है, एनी थिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है, $60 का गैप, और ये एक सेशन में नहीं होगा। और अगर आप वाकई बीएनबी से अर्न करना चाहते हैं तो ये ख्याल आपको तब क्यों नहीं आया जब बीएनबी 280-270 पे रुल रहा था मार्केट में, ठीक है, और फिर जब फड क्रिएट हो रहा था उस वक्त खबर आ गई थी मार्केट में कि ये $200 पे जा रहा है, तो अब ये पंप हो रहा है तो ये बातें मार्केट में आ रही हैं। इसीलिए परहेज़ करें इन चीज़ों से। तो 12 आवर की अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, सपोज़ आप इंटरेस्टेड नहीं हैं 12 आवर की ट्रेड में, तो बेस्ट एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख लें, फिर ये नीचे गिरे ऊपर जाए आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, और सपोर्ट की शक्ल में रख लें। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए इसकी सपोर्ट जो है गाइस वो थोड़ी डिफरेंट होगी। पहले तो मैं बता दूँ कि जो हमारी सपोर्ट थी वो थी 335 से 348, ठीक है, 335 to 348। लो रहा 337 का, डेफिनेटली बाइंग हुई क्योंकि गैप ही कोई नहीं रह गया हुआ था। हाई रहा 342 का, $5 की ट्रेड आपको मिल गई, और जो अभी मिल रही है करंट सिचुएशन में भी मिल रही है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए बीएनबी की जो सपोर्ट होगी गाइस वो होगी यहाँ पर करंट प्राइस को देखते हुए 331, 331 से 347, 347। फर्दर यहाँ पर बाकी टोकन तो मुसलसल गिर रहे हैं सिवाय डोज कॉइन के। तो गाइस, अभी की मार्केट में अगर मैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो डोज कॉइन मैक्सिमम 10 सेंट की अभी एक पंप लगाने की सलाहियत रखता है। सो गाइस, सोलाना की हमारी जो सपोर्ट थी यहाँ पर वो 24.55 की आपसे शेयर की गई थी, ठीक है, 24.55, और लो रहा 24.28 का। एनीवे, हम अपनी सपोर्ट की बात करेंगे, लो तो खैर वाकई बहुत बड़ा हो गया था। खैर, हाई रहा 24.72 का। हमें सोलाना ने आज की डम मार्केट के अंदर भी 17 सेंट की ट्रेड दी है, ये बहुत अच्छी ट्रेड है 17 सेंट की। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए सोलाना का लो रहेगा गाइस 24.40, 24.40, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग होगा इस मार्केट का। सभी से रिक्वेस्ट है कि सीएमई गैप हो या कोई बुरी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, स्पॉट ट्रेडिंग में आपने फ़िलहाल पैनिक नहीं होना। अगर आपके पास इसकी एजुकेशन मौजूद नहीं
तो आप हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कम से कम इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जब मार्केट स्टक होती है तो हम सेकंड और थर्ड बाइंग को कितनी अहमियत की निगाह से देखते हैं। और डेफिनेटली एंड ऑफ द डे एक स्पॉट ट्रेडर पेशेंस का मुजाहरा करके एक अच्छी अर्निंग कर लेता है। एनीवे गाइस, अब पोल्काडॉट की आज की जो सपोर्ट थी उसके अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो वो 6.58 की थी। हमने डॉट को एग्जैक्टली इसे यूटिलाइज करते देखा, हमने 14 सेंट की ट्रेड ली। नेक्स्ट मार्केट के लिए डॉट का लो 6.55 हो सकता है। इसी के साथ गाइस, एलटीसी की सपोर्ट हमारी थी यहाँ पर जो हमने आपसे शेयर की थी वो थी 97.40 और यहाँ पर लो रहा 97.65 का। ये 25 सेंट का गैप रहा, आई थिंक एलटीसी बाय नहीं हो सका होगा, तो ये पहला टोकन है जो बाय नहीं हो सका। नेक्स्ट मार्केट के लिए 97.30 तक का हमें लो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एवेक्स की, सपोर्ट थी 19.85 और ये भी यूटिलाइज नहीं हो सकी। ये दो टोकन थे जो यूटिलाइज नहीं हो सके, आगे सभी तकरीबन आई थिंक के यूटिलाइज हो चुके हैं क्योंकि डाटा मेरे सामने ओपन है और फीड हो चुका हुआ है, अपग्रेड भी हो चुका हुआ है। सो एवेक्स नेक्स्ट मार्केट के लिए हमें लो देगा गाइस 20.25 का, 20.25। फर्दर यहाँ पर चेनलिंक की हमारी गाइस सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 7.70 की, ठीक है, और चेनलिंक का लो रहा 7.85 का, बाय हुआ। हाई हमने देखा 8.25 का, 40 सेंट की हमें ट्रेड मिली। नेक्स्ट मार्केट के लिए लिंक का लो रहेगा गाइस 7.90, मे बी आप इसे $8 पे भी बाय कर सकते हैं। ऑटम की सपोर्ट थी गाइस 12.30 की, ऑटम ने लो दिया 12.40 का, बाय हुआ और एग्ज़िट हुआ 12.55 पे। तो हमें यहाँ पर करीब 15 से 17 सेंट की ट्रेड मिली। नेक्स्ट मार्केट के लिए लो रहेगा 12.35। यूनिस्वैप कोई ख़ास ट्रेड दे नहीं पा रहा, ओके भी हम होल्ड रखेंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। फिल का आज लो रहा दोस्तों $6 का, अगर तो आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली फिल आपकी यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवरी कर देगा। CME गैप अभी तक दोस्तों फिल नहीं हुआ, आई होप कि आज की मिड में जाकर और सुबह के पहले ट्रेडिंग सेशन में ये गैप फिल हो जाएगा और मार्केट में एक अच्छी बहार आपको देखने को मिल सकती है। ICP टोकन जिसने अचानक एक हाइट पकड़ी थी गाइस 6.35 तक चला गया था, बल्कि 6.45 तक, तो यहाँ पे ICP में अचानक कमी हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसे लो पर बाय करने की, तो हम 5.90 पे ICP को सुबह के लिए बाय करेंगे। और अब बात करते हैं APE की। APE अजीब ही हो गया, 4.40 हम आपको सपोर्ट बता रहे हैं और ये 4.40 पर ही बाय होता है और एग्ज़िट हो जाती है 4.58 की, तो ये 20 सेंट की हमें कंफर्म ट्रेड दे रहा है 18-15। तो हम क्या करेंगे, 4.35 से 4.40 को सपोर्ट बनाएंगे और एग्ज़िट रखेंगे सिर्फ 15 सेंट का, ताकि हमारी ट्रेड एक्स्ट्रा जो कि है वो सेफ हो जाए। इट्स गुड। सो गाइज, आफ्टर द हैकिंग यहाँ पर क्वांट अपनी पोजीशन को बेहतर नहीं कर पा रहा, ये एक अजीब सिलसिला चल पड़ा है। खैर, एक अजीब ही दिन था 14 अप्रैल का और स्टिल ये सेटलमेंट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर 116.68 हमें इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है और हमारी सपोर्ट थी 115.90 की, ये यूटिलाइज नहीं हुआ, ये तीसरा टोकन होगा, ठीक है, तीसरा टोकन। तो रेजिस्टेंस इसने फिलहाल इतनी दी कि $1.5 की ट्रेड जनरेट हुई। एनीवे, नेक्स्ट मार्केट के लिए इसका लो होगा गाइस 115.95, 116 आप कह सकते हैं। दूसरी जानब STX सेल स्टक है, EEE ने दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड दी, 81.30 हमारी सपोर्ट थी, 81.30 एंड मार्केट शो अस 80.10, ठीक है, हम उससे नीचे चले गए। खैर, मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी मारी है 81.80 की, तो हमें 50 सेंट की ट्रेड मिल गई EEE में, ये बहुत ही अच्छी रही
अब बात करते हैं रैकेट पूल की, जिसे रॉकेट पूल ओके। तो ये जो जनाब RPL हैं, इनकी सपोर्ट थी $53 की, जो मैंने तकरीबन 4 दिन से आपसे शेयर कर रखी थी, और ये बढ़ता ही चला जा रहा था। तो लिहाजा इसने आज 53.30 का लो लगा दिया। अच्छा फ़ायदा हुआ आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने पे, सिर्फ 2 से 3 दिन में। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड लेके आया 55.44 की, हमें 2.14 सेंट की प्रॉफिट मिली RPL में से, रॉकेट पूल में से। सो गाइस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद कोई टोकन मूव नहीं कर रहा, इवन के नियो भी $13 पे आकर के खड़ा हो गया, लेकिन किसी भी वक्त नियो बड़ा पंप लगा सकता है। अब बात करते हैं KCS की। तो दोस्तों कुकवाइन टोकन को हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे 8.60 पे। सो गाइस कुकवाइन पे अगर आप अभी KCS को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो आप अपनी इनकम को खुद टांग मार रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद टोकन है जो अपनी एक्सचेंज पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेड देता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि BGB टोकन अपनी एक्सचेंज का एक माहिर फनकार टोकन है, जो कि BitGet का अपना टोकन है। तो सभी एक्सचेंजेस के टोकन बहुत अच्छी ट्रेड दे रहे हैं, जैसे कि OKX का OKB और BNB ऑब्वियसली Binance का, और BGB BitGet का, और MEXC एक्सचेंज का अपना टोकन। सो गाइस फाइनली यहाँ पे RNDR ने 2.05 का पंप लगाया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस टोकन को बाय नहीं करना आपने, ठीक है। ये बहुत बड़ा फनकार टोकन है, ये 6 महीने में एक पंप लगाता है, दुनिया इसे बाय कर लेती है, फिर ये सो जाता है, और जब ये सो जाता है तो फिर आपको घाटे में निकलना पड़ता है, ठीक है, तो केयर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस मार्केट के चीते टोकन के बारे में, INJ इंजेक्टिव। हम इसे 5.90 पे लेके फंसे हुए थे गाइस, आज पुरानी बाइंग ने हमें फ़ायदा दे दिया। अब आपने देखा होगा 2 से 3 दिन का गैप, मार्केट का पंप ना होना तो परेशानी क्रिएट कर देता है, लिहाजा आज इंजेक्टिव ने एक बहुत बड़ा पंप दिया, आप दोस्तों को एग्जिट हो गया। और मेरी रिक्वेस्ट होगी उन दोस्तों से कि अब इंजेक्टिव आपने बाय नहीं करना, ठीक है, अब ये पंप दे चुका है, तो लिहाजा इसे परहेज करें। अब आप कतन इसमें बाइंग करेंगे तो बुरी तरह फंसेंगे। एक हैरानकुन बात रही, पैनकेक स्वैप अचानक से गाइस आज डंप कर गया और रिकवर नहीं कर रहा, और डैश के प्राइस भी डाउन हुए, तो लिहाजा हम डैश को यूटिलाइज करेंगे 57.20 पर, 57.20। मजीद अभी ई कैश डाउन कर रहा है दोस्तों, सॉरी जी कैश, XEC मतलब कि ई कैश, तो हम इसे 40.30-40.50 के लिए टारगेट सेट करके रखेंगे, ठीक है, उसी तरह जैसे आज वू नेटवर्क ने कर दिया। देखें हमने परसों रात का वू बाय करके रखा हुआ था 32.50 पे, आप देखें मैंने आपसे कहा था कि आपने 33.50 पे मार्केट से निकल जाना है, आई होप एंड आई बिलीव कि आप 33.58 पे निकल चुके हैं। सो वू ने आपको एक अच्छी ट्रेड दी, अब वू को आपने इस प्राइस पे बाय नहीं करना। वो की यहाँ पे बाइंग बनती है गाइस 0.3150, उससे पहले ये आपको कोई ट्रेड नहीं देगा, बल्कि आप जैसे कि पहले बता रहा था फिर बता रहा हूँ कि नुकसान कर बैठेंगे। बहुत से दोस्तों को गलतफहमी हो रही है कि इंजेक्टिव और ENG टोकन दोनों एक हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो बाहर निकलें वरना अपना नुकसान हो जाएगा। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। गाइस BTC जब सुबह आपसे शेयर किया गया तो 29,750 का हमें लो दिखा चुका था, आपको बताया गया कि मार्केट अगर यहाँ पर अपनी सपोर्ट ब्रेक करती है तो हम 29,200 को देखेंगे। फाइनली हमने 29,240 को देख लिया, आप चाहें अपनी एक्सचेंज ओपन करें, आप जाकर कंपैरिजन करें और सुबह की वीडियो को भी देखें, ताकि आपको ये एहसास हो कि मार्केट ने हमें कितना ज़बरदस्त लो पे BTC बाय करने का मौका दिया। अब अगर हमारे पास BTC 29,240 की एक बाइंग का पड़ा हुआ है और 29,750 की, तो हमको इतने घाटे में नहीं है। BTC इज़ दैट दोस्तों गोल्ड डायमंड कमोडिटी, बहुत कुछ है BTC। एनीवे
फुल डे कैंडल चार्ट में एक बिग पेरिश मारू बुजू बन रही है और उसका शेडो यहाँ पे स्टिल ओपन है, खतरे की बात है ओके, लेकिन ये सी एम ई गैप की बदौलत है। अब यहाँ पर हमने फोर आवर की कैंडल चार्ट में एक डाउन ट्रेंड देखा, 1, 2, 3, 4 और सपोर्ट बन गई 29,200 पे, ठीक है 29,240 सॉरी दोस्तों माजरत। सो अब बीटीसी की सीएमई गैप की वजह से, सिर्फ सीएमई गैप की वजह से 29,240 इसकी सपोर्ट हो गई है, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 29,500 और जो मेन रेजिस्टेंस थी वैसे वो थी 29,750। खैर हम यहाँ पर 500 को ही इसकी रेजिस्टेंस मानेंगे, मेन मून को हम छोड़ देते हैं। सो गाइज सीएमई गैप फिल होने के बाद याद रखिएगा ये एक आम सी बात है कि मार्केट दोबारा स्काई रॉकेट हो जाती है, सारे मंजे हुए हमारे दोस्त पुराने ट्रेडर और पुराने चावल सब जानते हैं कि सीएमई गैप जब फिल होता है तो मार्केट पंप कर जाती है। तो ये तो अच्छा है कि हमारे पास स्पोर्ट के अंदर एक अच्छी ट्रेड होनी चाहिए। सो गाइज अगर मार्केट 29,240 की सपोर्ट तोड़ती है तो हम 28,900 तक को देख सकते हैं, जिसके चांस काफ़ी कम है फ़िलहाल ओके। और अगर हम बात करें पंप की तो पंप के लिए हमें चाहिए 29,750 पे 30 मिनट की रेजिस्टेंस, फिर मार्केट पंप करेगी और आल्ट कॉइन भी पंप करेंगे और आल्ट कॉइन जो मूव करेंगे उनमें टॉप पे होगा यहाँ पर यूनिस्वैप ऐप, उसके बाद RPL एंड सोलाना, ये चार टोकन हमें फ़ायदा दे सकते हैं। सो गाइस आप बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम, वो दोस्त जो मार्केट से किसी भी मार्केट से अच्छा खासा सीखना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, वो हमारा ये पोर्शन BTC और इथेरियम का अगर मिस करेंगे तो वो सब कुछ मिस कर देंगे ओके। एनीवे गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथेरियम ने लो दिया 2056 का, डेफिनेटली हमने बाइंग की क्योंकि आपको सपोर्ट बताई थी यहाँ पर 2060 की, हमने इसे बाय कर लिया। अब जितने भी दोस्तों ने 2056 पे बाइंग की वो एक अच्छी ट्रेड में है, क्यों, क्योंकि इथेरियम 2081 पे खड़ा है तो हमें $21 की ट्रेड इथेरियम अभी दे चुका है, चाहे तो होल्ड कर लें चाहे तो सेल कर दें। आगे बढ़ते हैं गाइस, ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिग पेरिश मारुबुजू मार्केट ब्लॉक होकर के क्रैश हो रही है, शेडो इसका स्टिल ओपन है, ठीक है, इसका मतलब प्राइस दोबारा 2050 का लो लगा सकते हैं। अब सारी गेम जो है दोस्तों, जो गेम प्ले है वो चला गया है सुबह के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे। एग्जैक्टली यहाँ पर ये कार्बन कॉपी बनी हुई है, BTC की डाउन ट्रेंड है और आगे दो सपोर्ट जो BTC इथेरियम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट इसकी बन रही है फिलहाल 2056 की, तो इसे आप इजी कर लेते हैं 2060 ही बना लेते हैं, 2060 इसकी सपोर्ट हो गई। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हो गई 2080 की, ये $20 का गैप है। सुबह का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले हमें मार्केट डेफिनेटली 2095 पे देखनी होगी, 2095 पे 40 मिनट की रेजिस्टेंस मार्केट को 2140 और 2135 का मुंह दिखा देगी, तो आपकी तो ट्रेड हो गई, आपने तो अच्छी अर्निंग कर ली। मज़ीद पंप के लिए हमें अगले लेवल पर रेजिस्टेंस देखनी होगी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके। तो यहाँ पर लो की भी बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 2060 की सपोर्ट को ब्रेक होता देखते हैं, 15 मिनट में रिकवर नहीं करती तो हम 2020 तक का मुंह देख सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट 1990 का हमें यहाँ पर मुंह दिखाए, बहुत कम चांसेस हैं। सो गाइज आई होप कि आप इससे फ़ायदा लेंगे और इस मार्केट में ETC ENS हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, इसके साथ इवन के आप चाहें तो यहाँ पर DYDX को भी इसी के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज सुबह तक अल्लाह हाफिज़।